हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिनिक्स एकेडमी के अंदर लेके आए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 के अंदर पार्ट 2, जिसके अंदर हम कुछ जो क्वेश्चन हमारे पिछले वाले लेक्चर में बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम कवर करने वाले। तो इस चैप्टर में हम और जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने वाले। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड वी। द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, देन द वैल्यू ऑफ वी इज। तो क्या है ये, 200 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इनमें से पहला 100 मीटर कितनी स्पीड से ट्रैवल किया है, v इज इक्वल टू 40 इन फर्स्ट 100 मीटर, एंड नेक्स्ट 100 मीटर में कितना है, v इज इक्वल टू v इन नेक्स्ट 100 मीटर, 100 मीटर। और टोटल की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम लगा होगा t1 और यहाँ पे टाइम लगा होगा t2। तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी मत और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है पहले, या पहले में 40 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम है t1। तो यहाँ पे 100 है ये मीटर में है, 100 मीटर, और ये 40 किस में है, किलोमीटर पर आवर है। तो इस 100 को हम क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 100 बाय t1 इंटू 1000। तो इसी वजह से t1 कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 100 बाय 1000 इंटू 40। ये t1 इधर जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/400। और बात करें t2 की, तो t2 कितना आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे होगी v, डिस्टेंस होगा 100 और टाइम होगा t2। ये भी 100 मीटर में है, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारी वेलोसिटी आएंगी किलोमीटर पर आवर में, और इसकी वजह से हम इसको करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू 100 बाय 1000 वी, और t2 इज इक्वल टू 1/10 वी। तो ये आ जाएगा t1, ये आ जाएगा t2, ये आ जाएगा t1। और हमें क्या पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 200 मीटर, जिसे हम करेंगे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट, इसीलिए करेंगे 1000 से डिवाइड, और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, और एवरेज स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 इज इक्वल टू 1/5 बाय t1 की वैल्यू है 1/400 प्लस t2 की वैल्यू है 1/10 वी। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 बाय 1/5 इंटू 1/80 प्लस 1/5 इंटू 1/2 वी। 1/5 हो जाएगा कैंसिल, तो 48 इज इक्वल टू 1/1/80 प्लस 1/2 वी इज इक्वल टू 1/2 वी बाय 80 इंटू 2v प्लस 80। इसका बेस सेम करने के लिए इसे हमने 2v से मल्टीप्लाई किया, और इसे हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, और बेस ले लिया 80 इंटू 2v। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 1/2v प्लस 80 बाय
160V। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्या आया था? 48 इज इक्वल टू 1/2V प्लस 80/100V, 160V। तो ये 160V ऊपर चला जाएगा, 160V बाय 2V प्लस 80 इज इक्वल टू 48। इसे यहाँ पे ले जाएंगे, 48 इन ब्रैकेट 2V प्लस 80 इज इक्वल टू 160V। 96V प्लस 160V, 3840 इज इक्वल टू 64V, वी इज इक्वल टू 3840 बाय 64, फोर से डिवाइड कर फैक्टर्स निकालेंगे, 9 36, 4 6 24, 0 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कंसिडर करते हैं डिस्टेंस है 3x, उसमें से ये है x, ये है यक्स और ये है यक्स। तो जो पहला वन थर्ड है, मतलब यक्स है, विथ स्पीड कितनी है v1, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे है v2 इज इक्वल टू द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर, और एंड द लास्ट 1/3 विथ स्पीड v3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या पता है, वी इज वेलोसिटी इज इक्वल टू और स्पीड, तो हमें क्या पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, v1 इज इक्वल टू x बाय t1, v2 इज इक्वल टू x बाय t2, v3 इज इक्वल टू x बाय t3। v1 की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू x बाय t1, t1 इज इक्वल टू x बाय 10, सिमिलरली t2 इज इक्वल टू x बाय 20 एंड t3 इज इक्वल टू x बाय 60। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 3x, टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 3x बाय x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 60। ये x x x कैंसिल हो जाएगा, 3 बाय 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू 3 बाय 6 अपॉन 60 प्लस 3 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60। ये 60 ऊपर चला जाएगा, 3 × 60 बाय 6 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 × 60 बाय 10, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितने होने वाली है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट द 60 किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। ये कोई पाथ है जिसका ये इसे कंसिडर करते हैं यक्स है और इसे कंसिडर करते हैं कि ये यक्स है। तो पहले हाफ कितने V1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या क्या पता करना हमें क्या पता करना है कि एवरेज स्पीड कार की क्या होगी। ये क्वेश्चन कब आया था 1990 में, ठीक है। तो हमें क्या पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कंसिडर करते हैं या होगा टाइम t1 या होगा टाइम t2। तो v1 इज इक्वल टू यक्स बाई t1, v2 इज इक्वल टू यक्स बाई t2, t1 इज इक्वल टू यक्स बाई v1, t2 इज इक्वल टू यक्स बाई v2। तो इज इक्वल टू यक्स बाई v1 की वैल्यू है 40 और v2 की वैल्यू है 60। ये हो जाएगा t1, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। तो हमें क्या पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 2x, टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2। ये हो जाएगा 2x बाय x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। x x x कैंसल, ये हो जाएगा 2 बाय 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। बेस कॉमन कर लेते हैं 2 बाय 60 प्लस 40 बाय 60 इंटू 40। ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय 100। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होने वाली है 48 किलोमीटर पर आवर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से बॉल नीचे की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, फ्री फॉल नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये फ्री फॉल होगा तो इस पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा, और अगर ये फ्री फॉल नहीं होगा तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इन द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ फेंकी जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। तो फ्रॉम द टावर टॉप ऑफ द टावर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो हमें क्या पता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 AS। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80 स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इंटू यस। यस मतलब क्या होगी यहाँ पे, हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6400 माइनस 400 इज इक्वल टू 2 इंटू अप्रोक्सीमेटली 9.8 को हम कितना कंसिडर कर सकते हैं 10 इंटू हाइट फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप्ड। 6000 इज इक्वल टू 220 एच 00 कैंसल, एच इज इक्वल टू 300 मीटर। तो कितनी हाइट से बॉल ड्रॉप किया गया होगा 300 मीटर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन दिया है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब ये किसका केस है, फ्री फॉल का।
इट कवर्स डिस्टेंस एच वन एच टू एंड एच थ्री इन द फर्स्ट 5 सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड और सिमिलरली और उसके बाद के 5 सेकंड में रिस्पेक्टिवली द रिलेशन बिटवीन एच वन एच टू एंड एच थ्री। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या स्टोन फॉल हो रहा है, तो पहले 5 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस वन इन फर्स्ट 5 सेकंड, सॉरी एस वन नहीं एच वन, एच वन इन फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड के बाद जो नेक्स्ट 5 सेकंड हो गए उसमें एच टू इन नेक्स्ट 5 सेकंड एंड एच थ्री इन नेक्स्ट 5 सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें एच वन एच टू एंड एच थ्री के बीच का रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे, ये होगा एस वन, ये होगा एस टू और ये होगा एस थ्री। ठीक है, और ये एस थ्री के लिए टाइम कितना होगा 15 सेकेंड। ठीक है, ये 5 ये 5 है, एस टू के लिए कितना होगा 10 सेकेंड, ये 5 सेकेंड ये 5 सेकेंड और एस वन के लिए होगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस वन कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि ये क्या है फ्री फॉल है, तो एस वन क्या होगा 1/2 ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 जी बाई टू। ठीक है, सिमिलरली एस टू इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये होगा 1/2 इंटू जी इंटू 10 स्क्वेयर क्योंकि एस टू के लिए कितने सेकंड है 10 सेकंड है इज इक्वल टू 100 जी बाई टू। एस थ्री कितना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ ए की जगह जी इंटू 15 स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर होगा 25 बाय 2 जी। ठीक है, अब हमें क्या पता है एच वन इज इक्वल टू एस वन इज इक्वल टू 25 बाय 2 जी। ठीक है, एच टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू 100 जी बाय 2 माइनस 25 जी बाय 2 इज इक्वल टू 75 जी बाय 2। ये हो जाएगा एच वन, ये हो जाएगा एच टू और एच थ्री कितना हो जाएगा एस थ्री माइनस एस टू इज इक्वल टू 225 जी बाय 2 माइनस 100 जी बाय 2 इज इक्वल टू 125 जी बाय 2 इज इक्वल टू एच थ्री। ठीक है, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमें क्या मिला, एच वन इज इक्वल टू 25 बाय 2 जी, एच टू इज इक्वल टू 75 बाय 2 जी एंड एच थ्री इज इक्वल टू 125 जी बाई टू। अब हमें क्या पता चलेगा, एच वन इज टू एच टू इज टू एच थ्री इज इक्वल टू 25 जी बाई टू इज टू 75 जी बाई टू इज टू 125 जी बाई टू इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू 1:3:5। एच वन इज टू एच टू इज टू एच थ्री इज इक्वल टू 1:3:5। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, एच टू इज इक्वल टू 3H1 एंड इसका तो नहीं है कोई लॉजिक, एच टू इज इक्वल टू 3H1। ठीक है, चलो चेक करते हैं, उनका रेशियो निकालना पड़ेगा हमें एक बार। हाँ,
तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। इनका रेशियो क्या है, 1:3:5 है। मतलब क्या होगा, H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। इनका अगर हम रिलेशन की बात करें एक दूसरे के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे, एक मिनट, आप लोगों को ये रिलेशन कैसे आया, समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, बताता हूँ। हमें क्या पता है, H1 इज इक्वल टू 25/2g, H2 इज इक्वल टू 75/2g। ठीक है, ये समझ में आया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3:25g/2। ठीक है, और 25g/2 ही क्या है, H1। इसी को ऐसे हमने लिखा, 3H1। ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा, मिलेगा हमें H2 इज इक्वल टू 3H1, H1 इज इक्वल टू H2/3। ये रिलेशन समझ में आया। उसी तरह से H3 इज इक्वल टू 125G/2 इज इक्वल टू, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 25G/2 × 5। 25G/2 ही क्या है, H1 × 5। इसलिए H3 इज इक्वल टू H1 × 5, H1 इज इक्वल टू H3/5। और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंसिडर करें तो हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पता है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। तो यहाँ पे 20 मीटर का कोई टावर है, 20 मीटर, यहाँ से कोई क्या स्टोन ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, या इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि वो ड्रॉप कर रहा है, मतलब फ्रीली फॉल कर रहा है। तो हमें क्या पता है, v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल 0 है, इज इक्वल टू 2 × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10a, और यस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 है। ठीक है, v² = 20 × 20, v = 20। ठीक है, तो कितनी होगी वेलोसिटी बॉल की जब वो ग्राउंड को टच करेगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप कम से कम 5-10 मिनट के लिए ट्राई करो, और सॉल्व नहीं होगा तब भी सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो चलो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट टी इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड वी। द टू बॉल्स मीट एट टी इज इक्वल टू 16 सेकंड, वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी। ठीक है, तो ये एक बॉल 1 नंबर का है, यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, विथ यू इज इक्वल टू 0, और टाइम टी इज इक्वल टू 6 सेकंड जब हो जाता है, तो ये किसी इस जगह पे आ गया होगा, और इसी वक्त यहाँ पे एक दूसरा बॉल नंबर 2 का ड्रॉप किया गया विथ इनिशियल स्पीड वी। ठीक है, यू इज इक्वल टू वी। तो आफ्टर 18 सेकंड, मतलब जब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट राइट प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ हाइट से ड्रॉप किया है एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 पे ये बॉल नंबर 1 ड्रॉप किया है थ्रो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट पे है। आफ्टर 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड पे बाद ये बॉल कुछ तो इस पोजिशन पे आया होगा, तो उसी वक्त उस दूसरे बॉल को उस ऊपर वाली हाइट, मतलब जिस हाइट से बॉल नंबर 1 को फेंका है उस हाइट से थ्रो किया है, मगर इस पे इस वक्त वेलोसिटी उसकी 0 है क्या, नहीं, उसकी वेलोसिटी है वी, उसकी स्पीड है वी। द टू बॉल्स मीट, मतलब अब ये वी स्पीड से नीचे आएगा और ये पहले से ही नीचे आ रहा है 6 सेकंड पहले से, तो कुछ टी इज इक्वल टू 18 सेकंड पे
दोनों बॉल मीट करेंगे, मतलब क्या होगा, जहाँ पे पहला बॉल है उसी हाइट पे दूसरा बॉल आ जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को, आफ्टर 6 सेकंड बॉल वन कितना नीचे आया होगा वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल वन इन 6 सेकंड, ठीक है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इस बॉल की 0 है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट टी इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 ए होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, इसलिए ये भी प्लस होगा। और टाइम कितना हो जाएगा, 6 सेकंड के बाद हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 36 6 स्क्वायर इज 36, तो ये हो जाएगा 18 g इज इक्वल टू 180 मीटर। तो 8 सेकंड के बाद पहला बॉल कहाँ पे आ गया होगा, 180 मीटर डाउनवर्ड, ठीक है। और ऊपर का बॉल कहाँ पे, यहीं पे होगा 6 सेकंड बाद। आफ्टर 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड के बाद ये पहला बॉल जो है वो 180 मीटर नीचे की तरफ आ चुका होगा, और उसी वक्त दूसरा बॉल ऊंचे ऊपर से हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी वी। तो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो 6 सेकंड के बाद 18 सेकंड होने के लिए यहाँ पे 12 सेकंड के लिए ये मूव होगा, कितने सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए। नंबर वन बॉल मूव्स फॉर 12 सेकंड एंड नंबर टू बॉल मूव्स फॉर 12 सेकंड। दोनों बॉल कितने टाइम के लिए मूव होंगे, 12 सेकंड पे। उसके बाद उनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो हाइट सेम होने के लिए इसे कंसिडर करते ही पहला बॉल यस वन डिस्टेंस कवर करेगा और दूसरा बॉल यस टू डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। यस टू मतलब क्या होगा, यस वन प्लस 180 मीटर, ठीक है। पहला बॉल जिसने हाइट से हमने स्टार्टिंग को ड्रॉप किया था उसी हाइट से सेकंड बॉल ड्रॉप किया है हमने आफ्टर 6 सेकंड। तो यस वन यस टू इज इक्वल टू यस वन प्लस 180 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी तुमको, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म से बोलो बॉल्स ड्रॉप किए हैं लेकिन टाइम डिफरेंस है, 6 सेकंड के बाद दूसरा बॉल ड्रॉप किया है। मगर हम उसी कंसिडर टाइम से कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट 12 सेकंड में पहले वाला बॉल सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जो दूसरा वाला बॉल है वो इसके पहले इसने जो 180 मीटर कवर किया वो 180 मीटर भी कवर करेगा, और उसके बाद यस वन भी कवर करेगा। इसीलिए यस टू इज इक्वल टू यस वन प्लस 180। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे यस वन एंड यस टू। तो इसे हम नंबर देते हैं क्वेश्चन नंबर वन, देखो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। यस वन इज इक्वल टू, तो इससे पहले एक चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यस टू इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वी, और टाइम कितना होगा 12 सेकंड, ये यस टू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू टाइम कितना होगा 12 सेकंड, और टी हो जाएगा 12 स्क्वेयर। यस टू इज इक्वल टू 12 वी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 144, ये हो जाएगा 72। यस टू इज इक्वल टू 12 वी प्लस 720, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो अगर बात करें पहले बॉल की, तो पहले बॉल यहाँ से 12 सेकंड जब होंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 तो नहीं होगी क्योंकि बॉल पहले से 6 सेकंड से मूवमेंट में है। तो इसकी वेलोसिटी कुछ वी होंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इतने डिस्टेंस में अगर हम कवर करें कंसिडर करें तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक होगी 0, फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्प्लेसमेंट होगी 180। और इससे हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 2 इंटू
टेन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3600 वी स्क्वेयर, और वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ पे S1 का फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 12 सेकंड के लिए निकाली थी, वो होगी 60 इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू टेन जी इंटू टी, कितना होगा, 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू 60 इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू टेन इंटू 144 इज इक्वल टू 720 प्लस 720, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो 1 में क्या बताया गया है, S2 इज इक्वल टू S1 प्लस 180। S2 क्या है, 12V प्लस 720 इज इक्वल टू S1 क्या है, 720 प्लस 720 और ये 180। तो ये 720 और ये 720 कैंसिल हो जाएगा, 12V इज इक्वल टू 900, V इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, टू बॉडीज़ ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर। ए कहाँ से ड्रॉप की है, 16 मीटर, और बी कहाँ से ड्रॉप की है, 25 मीटर, ठीक है। पहले का मास कितना है, 1 kg, दूसरे का कितना है, 3 kg, ठीक है। रेशियो फ्रॉम द हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो हमें क्या पता है, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g, ठीक है। TDA/TDB इज इक्वल टू रूट ऑफ 2HA/GA/√2HB/GB। तो दोनों भी अर्थ के सरफेस से ड्रॉप की है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GA = GB होगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, GA/GB कैंसिल हो जाएगा, HA/HB, HA की वैल्यू कितनी है, 16/25 रूट ऑफ इज इक्वल टू 4/5 टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ ए बाय टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5। तो आप बोलोगे फिर यहाँ पे 1 kg का और 3 kg का क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्यों गिवन है। तो मैंने पहले ही बताया था, कुछ चीज़ें हमें जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो भी क्वेश्चन में दी जाती है हमें कन्फ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन मिलते हमें एक चीज़ का इस्तेमाल कर, क्वेश्चन दिखते हैं हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हमें दी गई है, कौन सी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सभी पॉइंट्स हमने ले लिए, उसके बाद कुछ पॉइंट्स बचते हैं तो हम उसी का थिंकिंग करते बैठेंगे कि ये क्यों दिया, ये क्यों दिया, तो हम क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिल गया, उसी के साथ हमने आंसर निकाल लिया। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं उसकी थिंकिंग ज़्यादा करने की नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसी चीज़ें हमेशा क्वेश्चन में नहीं मगर कुछ वक्त दी होती है, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, वो 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है। इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैज़ रीच्ड 1 hop ऑफ द मैक्सिमम हाइट, कंसिडर करेंगे, ये होगी Hmax और ये हो जाएगा Hmax/2। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, तो हमें क्या पूछना बताए, हाउ हाई डज द बॉल राइज, मतलब बॉल कितना ऊपर तक जाएगा, इसका मतलब क्या पूछा है हमें, एच मैक्स पूछा है। ठीक है, तो एच मैक्स, ठीक है, तो जब हम ये पार्ट कंसिडर करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी इज 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, और ये जो बीच का डिस्टेंस है ये कितना होगा, एच मैक्स बाई टू। अगर नीचे का एच मैक्स बाई टू है तो ऊपर का भी नीचे एच मैक्स बाई टू होगा, तो हमें क्या पता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 AS। वी 0 है माइनस यू कितना है 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस जी इंटू एच मैक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100 इज इक्वल टू -20 इंटू एच मैक्स बाय 2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 हो जाएगा 10, ये 10 और ये कैंसिल, 10 इज इक्वल टू एच मैक्स, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिए कि अ बॉल ए मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ऐसे बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है, और दो ऊपर फेंकने वाले बॉल के बीच में टाइम इंटर का कितना दे रहा है, 2 सेकंड का दे रहा है। तो एक बॉल कंसिडर करते हैं हम ये, ठीक है, नंबर 1 का बॉल है, तो इसका जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ यू, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ये वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ असेंट कैसे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू क्या, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 0, यू है इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगा माइनस जी, एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, और ये होगा टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, और ये वी यू इधर माइनस हो जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी ए, टी ए इज इक्वल टू यू बाय जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, और हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 TA इज इक्वल टू 2 U/G। तो इसे कंप्लीट हवा में कितनी देर रहना होगा, 2 U/G, जिसके बाद मैक्सिमम 3 बॉल हवा में होंगे। तो 3 बॉल हवा में होने के लिए क्या होगा, ये बॉल पहले ऊपर जाएगा, 2 सेकंड बाद दूसरा बॉल ऊपर आएगा, और ये कितने हो जाएगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद दूसरा बॉल ऊपर आएगा, और फिर अगर ये बॉल यहाँ तक जाएगा, और फिर 2 सेकंड के बाद तीसरा बॉल हो जाएगा, इसका मतलब कम से कम 4 सेकंड तो पहले बॉल को हवा में रहना पड़ेगा, तब भी तो हवा में कितने बॉल हो जाएंगे एट अ टाइम, 3 बॉल हो जाएंगे, मतलब मोर देन 2 बॉल हो जाएंगे। पहला बॉल ऊपर गया, उसके बाद 2 सेकंड तक हम कोई बॉल नहीं फेंक रहे, 2 सेकंड होने के बाद दूसरा बॉल, ये पहला बॉल यहाँ पे, दूसरा बॉल हमने फेंका, ठीक है, उसके बाद पहला बॉल गया यहाँ तक कंसिडर करते हैं, दूसरा बॉल गया यहाँ तक, और फिर 2 सेकंड के बाद तीसरा बॉल फेंका, तो कम से कम हमें 4 सेकंड का तो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए पहले बॉल का, तब हम हवा में कितने बॉल कंसिडर करेंगे, 3 बॉल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल मस्ट बी ग्रेटर देन 4, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आया है, 2 U/G, और यही क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4, तो 2 U मस्ट बी ग्रेटर देन 4 × g, U मस्ट बी ग्रेटर देन 4/2 g इज इक्वल टू 2 g इज इक्वल टू 2 × 9.8, therefore u must be greater than 16 1 19.6।
तो मिनिमम 3 बॉल हवा में होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू मस्ट बी ग्रेटर देन 19.6, मोर देन 19.6, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसी के बाद ही आप सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इफ़ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई बॉल है वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया है विथ अ स्पीड यो, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकंड, यहाँ पे कुछ बॉल आ जाएगा इस हाइट पे आफ्टर टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट के बाद बॉल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये क्या है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकंड, ये क्या है लास्ट 30 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग लास्ट 30 सेकंड, और ये क्या होगा फिर, इसको हम कंसिडर करते हैं यस वन, और इसको कंसिडर क्या करेंगे, ये क्या होगा फिर, तो ये क्या हो जाएगा एच मैक्स माइनस यस वन, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यस वन क्या है, ठीक है। तो हमें क्या पता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू एंड टाइम ऑफ डिसेंट होगा यहाँ पे टी डी प्लस 1/2 इन ब्रैकेट माइनस जी, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये हो जाएगा टी डी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू टी डी माइनस 1/2 जी टी डी स्क्वेयर, ठीक है, एच मैक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे एच मैक्स माइनस एस वन इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, यहाँ पे टाइम कितना लगने वाले है हमें, एच मैक्स इज डिस्टेंस कवर्ड इन टी डी माइनस टी सेकंड, ठीक है। ये अगर टी डी में कवर हुआ है, ये लास्ट टी सेकंड में कवर हुआ है, तो ये कितने सेकंड में कवर होगा टी डी माइनस टी, तो ये हो जाएगा यू इन ब्रैकेट इसका कंसिडर कर रहे हैं, ये हो जाएगा टी डी माइनस टी माइनस 1/2 जी इन ब्रैकेट टी डी माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। ये हो जाएगा एच मैक्स माइनस एस वन इज इक्वल टू यू टी डी माइनस यू टी माइनस 1/2 जी इन ब्रैकेट टी डी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2 टी डी इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू यू टी डी माइनस यू टी माइनस 1/2 जी टी डी स्क्वेयर माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर प्लस जी टी डी टी, ठीक है, एच मैक्स माइनस एस वन, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है हमें पता है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर कंप्लीट फ्लाइट की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है 0, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस इन ब्रैकेट माइनस जी, एंड टोटल टाइम कितने वाला है टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो u इज इक्वल टू जी टी ए, ठीक है, देयरफॉर टी ए इज इक्वल टू यू बाय जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो एक बार हम फिर लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास है एच मैक्स इज इक्वल टू यू टी डी माइनस 1/2
GTD स्क्वायर, इसे हमने 1 दिया था। और दूसरा इक्वेशन है HMx − S1 = UTD − UT − 1/2 GTD² − 1/2 GT² + GTAT। और उसी के साथ ये है इक्वेशन 2, और उसी के साथ हमें पता था TA = U/G, ये था 3। पुट वैल्यू ऑफ 3 इन 2, तो हमें क्या मिलेगा, HMx − S1 = UTA − UT − 1/2 GTA² − 1/2 GT² + G × यहाँ पे लिखेंगे U/G × T, ठीक है, जी जी कैंसिल, ये हो जाएगा UT, ठीक है। HMx की वैल्यू हम लिखेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। पुट HMx फ्रॉम 1 UTA − 1/2 GTA² − S1 = UTA − UT − 1/2 GT² + UT, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे TA की वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि ये TA ये GTA इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये TA ये UTA के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो −S1 = −UT − 1/2 GT² + UT, तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे, और S1 = −+1/2 GT² बच जाएगा, और जो कि है हमारा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये कोई पार्टिकल है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, इट्स वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट HMx/2, ठीक है, इज अटेंड द हाइट इज 10, तो यहाँ पे क्या होगा, V = 10 m/s, ठीक है। तो ये कोई होगी मैक्सिमम हाइट, ये टोटल होगा HMx, द हाइट इज 10 m/s, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट, ठीक है। तो हम यहाँ अगर यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी होगी 10, और S = HMx/2 होगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, V = V² − U² = 2As, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी −U² मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है −10² = 2 × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होने के कारण नेगेटिव होगा, और यही होगा HMx/2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है HMx/2, तो ये होगा 100 − 100 = −2 × 10 × HMx/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 होगा HMx, तो HMx की वैल्यू होगी 10 m, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, स्ट्राइक द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी 3 m/s, तो यहाँ पे एक बॉडी है जो हाइट h, हाइट h से बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, यहाँ से एक बॉडी ड्रॉप की है, स्ट्राइक द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है V = 3 m/s, अनदर बॉडी ऑफ द सेम मास, अनदर बॉडी ऑफ द सेम मास ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, हाइट भी सेम है, और विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 m/s, देन वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो कंडीशन 1 देखते हैं, ये कंडीशन 1 और ये है कंडीशन
तो कंडीशन वन से हम हाइट निकाल सकते हैं, उसके बाद वही हाइट का यूज करके हम सेकंड कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as इन कंडीशन वन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू 2 इंटू बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ आएगा, इसलिए ये होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 h, ठीक है। तो h हो जाएगा 9/20, ठीक है। तो इन कंडीशन टू टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस यू स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 4, जो कि होगी यू स्क्वेयर होगा 16 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस प्लस जी होगा इंटू हाइट कितनी है 9/20, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 + 16 वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 वी इज इक्वल टू 5 m/s। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड पे आएगी, तो 5 m/s, जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप इज 5 m अबो द ग्राउंड। तो ये टैप है कोई, ठीक है, तो ये कितना है 5 m अबो द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द ग्राउंड, मतलब पहले ये कोई ड्रॉप होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा। जब तीसरा ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप इज टचिंग द ग्राउंड, मतलब पहला ड्रॉप तब क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। द हाउ फार द अबो द ग्राउंड टचेज द ग्राउंड, हाउ फार अबो द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, तो इस वक्त ये सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितने ऊपर है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो ये जब ग्राउंड को नीचे टच कर रहा है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कितना टाइम हुआ है, ठीक है, कितने टाइम बाद ये नीचे के ड्रॉप को आ रहा है। तो हमें क्या पता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। वी स्क्वेयर नहीं पता, वी स्क्वेयर माइनस इनिशियल 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच है 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 वी इज इक्वल टू 10। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, सो ठीक है, 10 इज इक्वल टू यू 0 प्लस 10 इंटू टी, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद पहला ड्रॉप अगर नीचे आया होगा तो ये 1 सेकंड के बाद ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। अब ये तीसरा ड्रॉप कहाँ पर है, एग्जैक्ट टैप पे है, और दूसरा ड्रॉप कहीं ऊपर हाइट पे है और तीसरा ड्रॉप नीचे है, तो टोटल टाइम इसे कितना लगा नीचे आने के लिए, 1 सेकंड, और हवा में कितने ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप टैप के पास है, ठीक है। इसका मतलब दो ड्रॉप के बीच में जो टाइम इंटरवल का गैप है वो होगा 0.5 सेकंड। देयरफॉर टाइम इंटरवल बिटवीन फॉलिंग ऑफ टू ड्रॉप इज 0.5 सेकंड एज टू ड्रॉप्स आर इन एयर व्हेन थर्ड ड्रॉप लीविंग फ्रॉम टैप व्हेन 1 सेकंड इज कंप्लीटेड।
मतलब जब 1 सेकंड कंप्लीट हो रहा है ये ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप टैप से रिलीज हो रहा है और पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे दो ड्रॉप्स के बीच का टाइम इंटरवल का गैप क्या होगा, 0.5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये टर्म 0 होगी, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टाइम कितना होगा 0.5 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यस टू, तो हमें पता है, और ये हमने निकाला है, इसे कंसिडर करते हैं यस वन, तो हमें पता है यस टू इज इक्वल टू 5 माइनस यस वन इज इक्वल टू 5 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 3.75, तो यस टू कितना होगा 3.75। ठीक है, ये है हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट इन 4th एंड 5th सेकंड ऑफ द जर्नी। तो हमें क्या पूछा है, यस 4/5 का रेशियो, तो हमें पता है यस एन इज इक्वल टू यू प्लस एन माइनस 1/2 इंटू ए। ठीक है, यस एन यस 4 इज इक्वल टू यू प्लस एन मतलब 4 माइनस 1/2 इंटू जी। ठीक है, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहाँ होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2 इंटू जी, और यस 4 इज इक्वल टू 7/2 जी, और सिमिलरली यस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2 जी इज इक्वल टू 9/2 जी। ठीक है, और इसी तरह से यस 4/5 इज इक्वल टू 7/2 जी अपॉन 9/2 जी, g/2 g/2 कैंसिल, यस 4/5 आ जाएगा 7/9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पे 1992 में आया था, यह है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो कोई टावर की हाइट है h। ठीक है, और लास्ट 2 सेकंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 40 मीटर, कब किया है इन लास्ट 2 सेकंड। कंसिडर करते हैं फॉर एच ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ठीक है, ये कितने टाइम में ट्रेवल किया जाएगा, कंसिडर करते हैं यस ट्रेवल्ड इन टाइम टी माइनस टू। ठीक है, टाइम टी माइनस टू में इतना डिस्टेंस ट्रेवल, अगर हमें पता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, अगर बात करें यच की तो यच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, यू इज इक्वल टू 0 क्योंकि फॉल फ्रीली फॉल है, ये ड्रॉप क्या है मतलब फ्रीली फॉल क्या है 0 प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वेयर। ठीक है, यच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर, अगर बात करें यहाँ की यस की, ठीक है, तो यस इज इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी 0 प्लस 1/2 ए इन ब्रैकेट कितना टाइम है टी माइनस 2 स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा यस इज इक्वल टू 1/2 ए इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू 1/2 इन ए इन ब्रैकेट टी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 टी। ठीक है, ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर प्लस
प्लस 2a माइनस 2at, ठीक है। और हमें क्या पता है, h h इज इक्वल टू s प्लस 40। ये जो h है वो s प्लस 40 होगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू s प्लस 40, तो h की वैल्यू क्या है, 1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यस की वैल्यू क्या है, 1/2 जी टी स्क्वेयर प्लस 2g माइनस 2gt प्लस 40। 1/2 जी टी स्क्वेयर, 1/2 जी टी स्क्वेयर कैंसल, देयर फॉर 0 इज इक्वल टू 2g माइनस 2gt प्लस 40, ठीक है, इज इक्वल टू 20 माइनस 20t प्लस 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 20t इज इक्वल टू माइनस 60, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और देयर फॉर h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 9, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 45 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी होने वाली है, 45 मीटर, ठीक है, जो कि है बिल्कुल सही आंसर। तो यही हमारा ये लेक्चर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।